अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करेंगे जिसकी ओवरडोज लेने से नशा होता है। जी हाँ, एक ऐसे ही सिरप के बारे में बात करेंगे जिस सिरप के लोग नशे करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह सिरप मार्केट में किन किन नामों से मिलते हैं, इन सिरपों को डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, और इन सिरपों की ओवरडोज लेने से हमको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इस सिरप में ऐसा क्या पड़ा होता है जिसकी वजह से नशा होता है। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं यह सिरप मार्केट में किन किन नामों से मिलते हैं। यह सिरप मार्केट में टोफेक्स, कोडिस्टार, एस्कोरिल फी, प्लानोकप, फैंसिडिल टी, मैग्नाटफ टी, कोरेक्स टी और भी कई नामों से मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि इन सिरपों में ऐसा क्या पड़ा होता है जिसकी वजह से नफा होता है। इन सिरपों में कोडीन नामक पदार्थ पड़ा होता है जिसकी ओवरडोज लेने से नफा होता है। कोडीन एक अफीम ग्रुप का पदार्थ है। इसकी ओवरडोज लेने से व्यक्ति को नींद और खुशी जैसा अनुभव होने लगता है, यानी व्यक्ति को मज़ा आने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति इस सिरप को रेगुलर लेने लगता है और वह नफे का शिकार हो जाता है। काफ़ी कंडीशन में कुछ कुछ लोग इस सिरप की एक एक से दो दो बोतल दिन में पी लेते हैं। वैसे इस सिरपों पे काफ़ी बैन लगाए गए हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये सिरप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग से इसको ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि इन सिरपों को डॉक्टर द्वारा कब रिकमेंड किया जाता है। तो जब किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, यानी उसके किसी बॉडी पार्ट में जैसे टाके लगे हुए हैं और उस पेशेंट को कफ और खांसी जैसी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा यह सिरप रिकमेंड किया जाता है, जिससे व्यक्ति को खांसी भी नहीं आती है और उसको अच्छे से नींद आ जाती है, जिसकी वजह से सर्जरी के प्रोसेस में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर जब किसी व्यक्ति की ज़्यादा दवाइयाँ चल रही होती है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है और उसको कफ और खांसी जैसी प्रॉब्लम रहती है, तब डॉक्टर ये सिरप को रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का कफ और खांसी में भी आराम मिलता है और उसको नींद भी प्रॉपर आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यह सिरप रिकमेंड किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि इन सिरपों की ओवरडोज लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सिरपों की ओवरडोज लेने से आपको भूख कम लगना, वेट कम होना, नींद ज़्यादा आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर इस सिरप को आप लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो आपको लंग डैमेज, ब्रेन डैमेज, हार्ट बीट बढ़ना, लंग इन्फेक्शन जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो काफ़ी ध्यान रखें और इन सिरपों को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर आप इस तरह के कोडीन के कोई भी सिरप पी रहे हैं तो उसको काफ़ी सावधानी से पिएं। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।